आज हम पहुंच गए नोएडा हार्ट सेक्टर 33 देवभूम उत्तराखंड पंडाल में, और यहां से उत्तराखंड से प्योर ऑर्गेनिक दालें जूस काउंटर लगे हैं। तो मैं इन भाई साहब से पूछता हूँ, ये बताएंगे कहाँ से हैं और क्या क्या दालें हैं, क्या रेट हैं और जूस क्या है, बताना भाई साहब। बहुत ही है हमारे उत्तराखंड की जो जैविक उत्पाद है वो है, जैसे अपना मंडुए का आटा हो गया, झंगोरा हो गया, गत हो गई, राजमा हो गई, हर्सिल राजमा है। बेसिकली हम ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर एक जगह की नहीं है, कोई हर्सिल की, कोई चौकरोता की है, कुछ मुंशियारी की है, कोई अल्मोड़ा की है ना? और बाकी ये हमारे हिमाचल का तिमले का अचार मिलते हैं, तिमले का लोग तिमले का अचार भी है। अच्छा, तिमले का अचार है, बेड़ू का है, बेड़ू का उसका क्या कहते हैं, नींबू का भाई। अच्छा, और आंवले का है, मिर्ची का है ना, अपना लंगड़ा का अचार है। अच्छा, लंगड़ा तो हमें देखा नहीं, लंगड़ा गढ़वाल में बहुत होता है जी। चमल का अचार भी है, मेरा अपना सारे रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ये खेड़ा का भी है। खेड़ा क्या होता है? खेड़ा खेड़ा बेडू जैसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफ़ी उसका जो तिमले का क्या रुपए का अचार है? तिमले का अचार भी है मेरे पास। कितने रुपए का पैकेट है ये? डब्बा कितने रुपए हैं? 80 रुपए का। 80 रुपए। और ये जूस भी है? जूस भी है। ऑर्गेनिक इसको ऐसे हैं सारे। अच्छा, कैसे इसको ऐसे? इनमें 1.5 बोतल पानी मिक्स करनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, जब इसको यूज कर सकते हैं। तो आप काम गढ़वाल में आते हो? गढ़वाल में आपका जो है सेटअप? सदरगंज में, दिल्ली में। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तमाम, और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए बहुत ही रामबाण है जूस है। तो दीजिए हर्षम दुकान। और क्या जूस? और लीची का भी है? तो ये वहाँ माल वहाँ से मंगाते हो? और प्रोडक्ट ये प्रोसेसिंग कहाँ करते हो? प्रोसेसिंग यूनिट वहीं लगा रखी है? मशीन मेरी यहीं पे सब है। अच्छा, सब पैकिंग वगैरह सब मैं यहीं करता हूँ। पहले इसकी सफाई होती है, फिर उसके बाद इसको पैक करके फिर ऐसे लगा। मेरा अपना ये है देवभूम उत्तराखंड। तो देवभूम उत्तराखंड का पंडाल लगा है, यहाँ पर ऑर्गेनिक उत्पाद हैं और रीजनेबल रेट है और एक्चुअल क्वालिटी अच्छी है, मेंटेन कर रखी है जैविक उत्पाद। तो हमें क्या करें, हमें तो ये अपने उत्तराखंड को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हाँ। और ऑर्गेनिक उत्पाद लेना चाहिए, केमिकल फ्री हैं, इनका यूज़ करना चाहिए ताकि उत्तराखंड को रोज़गार मिले और उसके साथ साथ अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और आजकल तो जितने भी अनाज खाद्यान्न है उसमें केमिकल ज़्यादा होता है, तो हमें पूरा इनका पंडाल में आए मिलकर बहुत खुशी हुई। और रेट ज़्यादा भी हाई फाई नहीं है, रेट रिजनेबल ही है। प्योर ऑर्गेनिक जो मुझे जैविक उत्पाद उत्तराखंड के मशहूर ग्रास का जूस और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी जूस है। आप पिए और यूज़ किया उसके बाद आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा, ऑर्गेनिक और का पता चलेगा और केमिकल का, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। और शुरू ग्रास का फूल से जूस बनाया जाता है और उसका एक खासियत है मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक। टॉनिक के रूप में ग्रास का जूस काम करता है और गर्मियों में इसमें ठंडक प्रदान करता है। और आइए और उत्तराखंड को प्रचार कीजिए। बुरांस का ना जूस? ये बुरांस का है। तो इसके प्रोसेस वही करते हो गांव में? सब प्रोसेसिंग वही होती है। अच्छा, तो प्रोसेसिंग करने वाला मान ली, ये कितना टाइम तक यूज कर सकते हो? कम से कम इसका 1 ईयर। 1 ईयर? अच्छा, 1 ईयर। क्या रेट है इसका? इसका रेट MRP 220। अच्छा, 220। 1 लीटर? 2 लीटर है। 2 लीटर।
और 220 तो कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है यार, डायबिटीज के दाम बढ़ रहे हैं और इसको ऐसे ही है। हाँ, आप बनाया टिपड़ा का, जिसमें आप 3 बोतल पानी मिला के फिर इसको यूज़ कर सकते। 3 बोतल 3 बोतल सेम।